सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 का कर दिया अनावरण। एआई टूल के माध्यम से महाकुंभ के मेले में होगी सिक्योरिटी, सभी को दी जाएगी ट्रेनिंग। प्रयागराज में गाड़ी चालक, ई रिक्शा चालक, होटलों की होगी सघन चेकिंग, गड़बड़ी पर होगा पूरा इलाज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 के लोगों का अनावरण कर दिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि हर प्राइम लोकेशन पर मेले का लोगो डिस्प्ले करना जरूरी है। सीएम योगी ने सुनिश्चित करने की बात कही है कि सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील रहेंगे और काम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साधु संतों संघ बैठक में सनातनियों के सबसे बड़े मेले को दिव्य और भव्य बनाने की योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोजन की कार्य योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। उनके अनुसार अयोध्या और काशी में सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य मेला आयोजन के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने संतों से गौशालाएं बनाने की अपील की। सीएम योगी ने 2019 के मुकाबले 2025 में बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। शाही स्नान और पेशावाई के नामों पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि जो नाम हमारी परंपराओं के खिलाफ है उन्हें बदला जाना चाहिए। इसके साथ ही 700 से ज्यादा मंदिरों का पुनरोद्धार सरकार द्वारा किया जा रहा है और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माणाधीन है। महाकुंभ आयोजन के संदर्भ में सीएम योगी ने साधु संतों से सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की और कहा कि गंगा का जल अविरल और निर्मल रहेगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि सरकार महाकुंभ के दौरान सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी। एआई टूर के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ दिखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं वे सिविलियन हों, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हों या फोर्स से जुड़े हुए यूपी पुलिस के हों, पीएसी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूँगा कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहाँ पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है, बरसात 2019 की तुलना में एक महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य एक महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर दे करके इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग वेरिकेट करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके।